الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ऊंची वाना दृशी पड़ी है सलात व सलाम सलाम अलैका या सय्यद सलात व सलाम अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला अलिका व सहाबिक या सय्यद या हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैका या सय्यद या खैर खल्क अल्लाह व अला अलिका व सहाबिक या सय्यद या निअमत अल्लाह अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद लामहदूद दरूद पाक साहिब लौलाक फ़ख्र मौजूदात बाईस तखलीक कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात सय्यदुल अंबिया शाफी रौज़े जज़ा मालिक हरदो सरा सरवर अंबिया ताजदार ख़त्म नबूवत वमा और सलना का इल्ला रहमतल्लिल आलमीन दे मिसदाक ततिमा अंबिया सनदुल अंबिया खतवीबुल अंबिया इमामुल अंबिया मुसवत्तिकुल अंबिया बाबाए सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा बुरहान खुदा हबीब किबरिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसहाबिही वज़वाजिही वबारक वसल्लम दी बारगाह आली दुरूद व सलाम दा नजराना अकीदत उल्फत व मुहब्बत पेश करने तो बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी लारैब व रबैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद चों चंद अल्फाज़ तिलावत कीते ने जिस ज़िमनो ज़ैल अंदर अज उस हस्ती बाला वक़ार दी गल होनी है जिदा नाम बिलाल है ज़ाहरी तौर ते रंग दा काला है दिल नूरन आला नूर हाफिज मोहम्मद शराज कादरी साहब आपने पुरजोर ये फरमाइश की थी कि तुसी चूंकि मुहर्रम उल हराम दी 20 नू हजरत बिलाल पाक दा विसाले बा कमाल है तो फरमान लगे मरकजी जामे मस्जिद बिलाल दे अंदर बिलाल दी गल करो ना मैं खे मैं कीती से एक बारी अगे भी तो महाफल ते तो जिक्र खैर हुंदा रहिंदा है तो फरमान लगे मस्जिद ही जरूर जिक्र करो तो मैं कोशिश करांगा कि जितना टाइम दे विच रह के हो सकया इंशाल्लाह उतना जिक्र खैर हजरत बिलाल पाक दा करांगे ये ऐसी हस्ती है ते हस्त नूं कहिंदे ने जिहड़ा है बिलाल आज भी आशिक रसूल है क्योंकि दुनिया दिया वजारतां ते सदारतां खत्म हो सकदियां ने जिहड़ा मुहम्मद दी गुलामी विच आके इज्जत लवे उहदी इज्जत कल भी बाकी सी अज भी बाकी है ते अगों भी बाकी रहेगी तो रब ने भी ऐलान करवाया महबूब तुसी ऐलान कर दियो अल्लाह दा महबूब ओ ही होवेगा जिहड़ा मुहम्मद दा गुलाम होवेगा
फरमाया महबूब ऐलान कर दियो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। फरमाया महबूब आप ऐलान फरमा दें अगर ये अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं फत्तबिउनी, पसीने आप कह दें कि ये मोहम्मद की इत्तबा करें युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह इन्हें अपना महबूब बना लेगा। अच्छा फिर अल्लाह जिन्हों महबूब बना ले उदियाँ शर्को गरब जनोबो शमाल जितुम्मा पै जांदियां, खुदा दी कसम नाम बिलाल होवे, नबी दाश के दार होवे, मेराज दी रात होवे, मेरे नबी जन्नत जान ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम नू अपने अग्गे के किसे दे चलन दी आवाज आए ते पुछे आवाज कि दी, आख्या जी बिलाल जमीन ते टुरदा पिया ओदे कदमां दी आवाज जन्नत चा रही है। मेरे नबी ने आके फरमाया बिलाल वो केड़ा ऐसा अमल करना है कि टुरदा जमीन ते में ते ए तेरे कदमां दी आवाज जन्नत विच भी जा रही है, आसमाना तो अभाव आ रही है। हजरत बिलाल ने आख्या सोनिया जदों मस्जिद विच आउना ना तहियतुल वजू दे मैं दो नफल पढ़ लेना, सोनिया गुलाम तेरा वा ताइयों ही तो टुरदा जमीन ते आ ते चर्चे अरशां दे हो गए। हाँ 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 इसे तरह हाथ बुलंद करके बोलो ना सुभान अल्लाह। बस मैं बात शुरू कर देती हजरत बिलाल बशी रजी अल्लाह को ताला नो या मेरे नबी दे ऐसे अशकेदार ने जिन्हां दे इश्क दियां थुम्मां जड़ियां ने अरशा फरशा ते पै गईयां ने जनोबो शवाल जनाबे वाला मशरक मगरब पै गईयां ने, मेरे नबी दा गुलाम बिलाल ओए जिन्हें कलमा तौहीद अपनी माह मामा कोलों सिख लिया है, मां ने कलमा पढ़ाया है, हजरत बिलाल कलमा पढ़दे ने ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा। एक रिवायत मिलती है कि आपने कलमा तौहीद अपनी माँ हमामा को सीखे आए, एक रिवायत मिलती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तबलीग फरमाई, हजरत बिलाल पाक ने हजरत अबू बकर को महबूब का जिक्र खैर सुने आओ ते मुस्तफा दा कलमा पाक पढ़ लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे जने दा ना है जिदा हर घड़ी हर लम्हा हर लहजा दिल करदा सी माल मेरा होवे जबाल आमिना दे लाल दा होवे ते मैं नबी दे जमाल तो माल नो कुर्बान कर दायावा। फिर ए मेरे नबी अली सलातो व सलाम दी तबलीग दा पहला समर है जिदा नाम अबू बकर सदीक, ए मेरे नबी अली सलातो व सलाम दा पहला शागिर्द है पहला स्टूडेंट जिन्हें मुस्तफा करीम दे कोलो सबक लेने, मेरे नबी दे दीवाने हो अबू बकर ने सबक ले आए, फिर तेनु मैनु सबक दिते आखिया मदीने वाले दी मुहब्बत लेके हाथ बन के आखिया जे क्या पेश करो तुझे को क्या चीज़े हमारी है क्या पेश करो तुझे हाँ क्या पेश करो तुझे। इंज नहीं इंज नहीं उथे जाना कुर्बान हो ने ना उन्हें तन मन धन माल जान औलाद नबी दे जमाल तो कुर्बान किया है, असी जुमाना ना कुर्बान करिए जामिया मस्जिद बिलाल दे दरो दीवार गवाह हो जाने चाहिए ने कि नबी दे गुलाम हाथ बुलंद करके सीने दा जोर ला के अपनी आवाजा नू पूरी हाइट ते ले आके ते मुहब्बत नाल कह रहे ने क्या पेश करो तुझे को क्या चीज़े। अच्छा जिन पूरा फिक्र नहीं आता ये कह लियो क्या चीज हमारी है क्या पेश करो तुझे को क्या चीज हमारी है
ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा। अल्लाह सलामत रखे जड़े बंदे दिल वल में इशारा कर रहे हो, इन करके कहलावा ऐसे अपनो दिल वल करो, दिल नो दिल पर वल करो, ते आखो ये दिल भी तुम्हारा, ये जाबे तुम्हारी है। इस वास्ते हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर दा बेटा बोलिया, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर अबू बकर दा बेटा बोलिया, कहने अब्बा जी ओ वेला याद करो जद तुसी मेरी तलवार दी जद थले आए सो, मैं थानू अपना बाप समझ के छोड़ दिता, उदो मैं मुस्तफा दा हाले कलमा नहीं सी पढ़िया, मरकंदी जामिया मस्जिद बिला बैठने वाले हो, इसके बिलाल दिया गल्ला सुनने वाले हो। अबू बकर ने आखिया पुत्रा कदी उदो तू मेरी तलवार जी जद थले आउंदा, पुत्र समझ के कदी भी ना छड़दा, बल्कि नबी दा गुस्ताख समझ के तेरा सर कलम कर देंदा, ये दिल भी तुम्हारा, हाँ ये दिल भी तुम्हारा। अच्छा लाजम नहीं कोई बंदा बहुत अगे बैठा थे बाज औक होवे, कोई पीछे भी बह के हाथ बुलंद करे, जे मेरी नजर तो दूर नहीं ते मदीने वाले दी नजर तो भी दूर नहीं। हाँ एक बारी अपने हाथों की गवाही पाते हो या लहरा के कहना है, ये दिल भी तुम्हारा, हाँ ये जाबे तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा। मदीने वाले कुरान लान कर इन अमवालुकुम व औलादुकुम फितन, माल भी औलाद भी फितना है अजमैश, फिर इंज करके काल कर लो, माल भी नबी तो कुर्बान कर लियो, अपनी औलाद भी नबी तो कुर्बान करके आखो, ये दिल भी तुम्हारा है और जाबे। हजरत बिलाल बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने मुस्तफा दा कलमा पढ़ लिया, लेकिन अली दा हार नहीं फरमाया, आप पुत कदे विच गए ने वेख्या दाए बाए अगे पिछे काफर कोई नहीं, वो भी खल सुल्तानी साहब हजरत बिलाल ने एक आउंदे के पत्थर मारे आ, एक आउंदे गिल्ली मिट्टी लेके बुत्ता दे मौत मारी, आखे अल्लाह अपने मुंह साफ करो, अपने आप नो बचा सकदे हो ते आशिक रसूल खोलो, अपने आप नो बचा लो, जनाबे वाला काफर ने वेखया हजरत बिलाल अगे अगे, ओ जनाबे वाला पीछे पीछे, अबई दे ताजदार दियां बेटे शबान सुल्तानी पलंगा वडियां वडियां, आशिक जड़े अपने अंदाज नाल दौड़दा दौड़दा, अब्दुल्लाह इब्ने जदान देखा रे आए, मुअर्रखीन लिखदे ने अब्दुल्लाह इब्ने जदान इतना अमीर है, एदे कोल इतने गुलाम ने, इनू पता ही नहीं मेरा गुलाम केड़ा केड़ा है, जदो हजरत बिलाल अब्दुल्लाह इब्ने जदान दे घर आए ने आके लुक गए, पीछे पीछे काफर आए ने, अबू जाल भी मगर आए, अबू लाब भी मगर आए, उमैया बिन खलब भी मगर आए, जनाबे वाला आके दस्तक दिती है, अब्दुल्लाह इब्ने जदान ने दरवाजा खोले है, किवें आए हो, उन्हें आख्या साडा गुनेगार घर तेरे विच लुकिया होया है, ये ओदा नाम काफर आंदे ने नाम ते नहीं जानदे, रंग दस सकने आ, रंग दस सकने आ, ओदी चाल ओदा अंदाज ओदी ठाल दस सकने आ, ओदे ते बस लगदा किसे दा रंग चढ़िया होया है,
आखिया कि रंग चढ़िया उन्हें आखिया साढ़े पुतों के खिलाफ साढ़े 360 खुदावां के खिलाफ बस उन्होंने मुंह से वटा मार के आ गए यखे पा के उन्होंने सिरा बच आ गया है आखिया वह ना यह ना नहीं जान दे मोटी मोटी आंखें कंगुरीले वाल ने काला जा रंगे जात दा हबशी है एक अजीम हसी है भक्त तेरे घर लुक आयो है ओ अब्दुल इब्ने जदान ने खौलिया नो बुलाया कहंदा जरा नेड़े आ मरकदू जा मैं मस्जिद बिलाल वनिया मोड़ सियालकोट रोड गुजरांवाला दी सरजमीन ते बैठने वाले आओ जद खौलिया आया उन्हें आखिया दसो जनाब कह लगा हूं तू जाल बयान कर अबूला अबून बयान कर ओदा नक्शो निगार की है यह रंग दाल है रहन वाले मोटी मोटी आखे अखा सुरख ने ते नम दे जाने खौलिया कह लगा ओदा ना बिला हाँ हाँ ओदा नाम बिलाल आशक गोवी तेसे के कमावामी दिल रखे वांग पहाड़ा हजार रोला में जानी पाग बहारा ओ मनसोर जय चुक सोली पीते जड़े वाकिफ कुल असरारा ओ सच दियो सरना चुकिए मेरा मुर्शिद बाहो सच दियो सरना चुकिए मेरा मुर्शिद बाहो पावे काफर कैन हजारा हो हक बहु सच मेरे मुर्शिद करीम फरमांदे ने जदों आशक होना है फिर दिल भी पहाड़ा नालों डाडा होना चाहिए आशके बिलाल आशके जार हजरत बिलाल आपनो गिरे बाल तो पकड़े आ लेके खौलिया दरवाजे तक आए अबू जाल ने नजर मारी ए अबू लाब ने वेख आखिया उमैया कहंदा हाँ हाँ इयो ये इंज जनाबे वाला जदों धक्का मार के अगे सुटे आए ते तमाचा वजे आए हजरत बिलाल दी अखां विचों आंसू गिर गए ने उन्हां आखिया ते इक तमाचा वजे ते रोण लग पिया है आखिया अखां नीर तां बहा रहियां ने इश्क आशक ज़ार नूं कह रहा मैं आ गया आखिया आ जा आखिया बस पदा हो गई मारा शुरू हजरत बिलाल ने आख्या ठीक है मैं तैयार हाँ आख्या तपदिया रेता ते लेटना पैना आख्या मैं तैयार हाँ आख्या वदनी वदनी चुकिया तेनो चलानिया पैनिया ने आख्या मैं तैयार हाँ यह कौड़े खाने पैण गए आख्या मैं तैयार हाँ जरूर बिलाल ने आख्या आवेगा ए इश्का आ जा तकदीर हौका भर
जाएगी। बिलाल डरन वाला नहीं अड़न वाला नहीं, ओदी वजह बिलाल नारे तकबीर भी लगा रहा है, मोहम्मद का नारा भी लगा। हाथ बुलंद कर यार रसूल, यार रसूल हक चार, या गौसे आजम दस्तगीर, लबैक आखो या रसूल अल्लाह, लबैक 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 आखो सोने सी हाजरा साडा तन मन धन कुर्बान है, लबैक हाथ बुलंद करके लबैक। मेरा बेटा सुफियान सुल्तानी साहब बैठे ने, आते होंगे ने तकरीर साढ़े को ला के उंज करनी है जिमें जुम्मे च करते, तो बंदे भी उंजते हो ना जेडे गल का वजन समझन, तो फिर जनाबे वाला असं भी इंजे जनाबे वाला तकरीर करिए। मुहब्बत है कह लो जरा सारे सुभान अल्लाह, गल्ला औखियां तो नहीं ना लगियां, बस मैं बात जल्दी नाल शुरू कर दी। हजरत बिलाल आप जिस वेले मार पै रही है ना, तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला नू आप गिरेबान तो पकड़ के अब्दुल्ला इब्ने जदान ने सुटिया अबू जाल दे कदमे च। अबू जाल आंदा मैनू नहीं काला जा गुलाम चाहिए, उत्तम आवाज ही तेरे लिए है भी नहीं, ये तेरे लिए है भी नहीं। जिस वेले मार पै रही है ना बिलाल नू, तो हजरत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मार खा रहे हैं, और अब्दुल्ला इब्न जदान ने आख्या गुलाम मैं तुहानू दिता, अबू लाब नू अबू जाल ने दिता, तो अबू लाब ने अगो उमैया बिन खलफ दे हैंड ओवर कर दिता, आख्या लै इहनू मारिया कर, बड़ा ही मारिया बड़ा ही मारिया। एक दिन ना अम्मार इब्न यासर नू मार पै रही सी, दूसरी रिवायत मिलती है कि इस अंदाज नाल आप दा ईमान दा इजहार हो गया कि हजरत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नू मार पै रही होवे, ओ हजरत अम्मार अबू लाब ते अबू जाल दे अगे कलाम फरमांदे ने, फरमांदे ने मेरे नबी ने दसिया किसे गरीब किसे अमीर एक दूजे दे फकीयत ने, मेरे वल वेखो बेटे किसी अमीर नू किसी गरीब ते फकीयत नहीं, किसी गोरे रंग वाले नू काले ते फकीयत नहीं, हर कोई इंसानियत बराबर है। जदों इन्नी गल की ना ते उमैया कहन लगा बिलाल कोड़ा फड़ ते मार इनू, इनू पता लग जाए साडे वी ते इहदे विच फर्क की है। हजरत बिलाल नेड़े होए, अम्मार इब्ने यासर नू वेखन लग पे, अम्मार इब्ने यासर दे अंदर ओ मुहम्मदी रंग नजर आया। ओए हाथ बुलंद करके कह लो ना सुभान अल्लाह, ये ओ मुहम्मदी रंग है जिन्होंने मियां साहब ने बयान किया है। जिन्ना मर्जी कोई कोड़े मारे जिन्या मर्जी कोई तकलीफा देवे ये मुहम्मदी रंग लथ सकदा। मियां साहब फरमांदे ने कच्चा रंग कच्चा रंग ललारे वाला, कच्चा रंग ललारे वाला, चढ़दा लैंदा रहिंदा पक्का रंग मुहम्मद वाला, चढ़ जाए फेर नहीं
लेंदा। अगर एडे जौक नाल सुनिया जे मैं तकरार नाल पढ़ देना, कच्चा रंग कच्चा 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 रंग ललारे वाला रहिंदा पक्का रंगे मोहम्मद वाला। हाथ चुक के चढ़ जाए फे। अच्छा यूट्यूब ते भी लाइव चल रहा पिया, मेरे ख्याल नाल फेसबुक ते भी लाइव चल रहा पिया। ये सुनन वाले आखन के ऐसा रंग चढ़ गया, ऐसा रंग यकीन फरमाओ। जड़े ये भी नहीं ना कहते आखो सुभान अल्लाह, वह भी इस मसीह से आके आंदे ने तुहाडे बंदे बड़े कमाल, वो इशारे नूं समझदे। हाँ इसे तरह टेल मार के कहना है पक्का रंग मोहम्मद वाला वो चढ़ जाए फे। जनाबे वाला अम्मार इब्न यासर देखो कोड़ा लेके हजरत बिलाल खलोते हुए ने। हजरत अम्मार इब्न यासर दा चेहरा वेखया, मुहम्मदी रंग नजर आया। वे खाल सुल्तान साहब कोड़ा जड़ा जमीन ते फेंके आए। हजरत अम्मार इब्न यासर घसीटते घसीटते अपने पैरों कोड़ा पकड़ के पकड़ाते ने, कहते ने बिलाल मैनू मार, जे तू मैनू ना मारिया ए तेनू मारन गए ते मैनू गवार ही नहीं। हजरत बिलाल ने तारीख साज जमला बोलिया, आखिया ओ आशक आशकानू नहीं मार दे, आशक आशकानू नहीं मार दे, जड़ा बम बलास कर दे। अगर वो नबी दा आशक अपने आप नू कह रहे जो समझे आशक आशकानू नहीं मार दे। हजरत बिलाल पाक आपने कोड़ा फिर जमीन ते फेंके, अमार कहंदे ने मैनू बिलाल मार ले, तेरे ईमान दा भी इन्हां नू पता लग जाने, इन्हां नू भी पता लग जाने बिलाल भी मुहम्मद दा गुलाम है। हजरत बिलाल कहंदे ने लग जाए पता हुण जनाबे वाला। हजरत बिलाल ने कोड़ा जमीन ते रखया होया है, उमैया कहंदा मार दा नहीं, आखिया किवें मारा, ए भी मुहम्मद दा गुलाम है। काफरों सुन लो मैं बिलाल भी मुहम्मद दा गुलाम, हाँ हाँ मैं बिलाल भी मुहम्मद दा गुलाम। ते जनाबे वाला हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जनाबे वाला मारा पैनिया शुरू हो गई। हजरत बिलाल पाक आप मारा खाई जा रहे ने, नाले नबी दे नारे लाई जा रहे ने। आखिया बिलाल तेनू मार पैंदी है, फिर दुख क्यों नहीं होंदा, ओए रोंदा क्यों नहीं हो, नारे मुस्तफा दे ला रहे आए। आपने भी आखिया होवेगा दुख दर्द के मारो को हम याद नहीं रहते, दुख दर्द के मारो को हम याद। मेरा दिल करदा मैं तुहानू हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जमाने दी गल सुना देवा। हजरत यूसुफ दे कोल हजरत यूसुफ बीबियां दे कोल आउंदी गुजरे ने, ओ जनाबे वाला फरोट कटदियां कटदियां उंगलियां नू कट रहियां ने। ओ सुणदा यूसुफ सामने वे
उंगलियां कट गईया दर्द दा एहसास नहीं आया जिने सामने यूसुफ आवे ओनु ते दर्द दा एहसास नहीं होला ओ जेड़ा गुलाम बिलाल होवे जिदे सामने आमिना दा लाल होवे हाथ चुक के जवाब दियो एक मिनट जरा ठहरिया जे मेरा दिल कर दिया नारा इंज मारो वो कल्ले दी आवाज ए पीर भाई है मेरा ताऊ टेल पिया मार दिया तुसी भी सारे मोमन भरा हो इंज नारा मारने पता लगे कि दीवाने नारा पे मार दे उठ के बेटे दरा नारा लगवाना उठ ऐ जिवें हाथ बोला सलामत रहो यार ओ जियो जियो बाबा जी साईं जी जियो हाँ दुख दर्द के मारों को दुख याद नहीं रहते दुख दर्द के मारों को दुख याद नहीं रहते जब सामने आँखों के गमखार नजर आए अल्लाह तुहाड़ी सुनो कबूल फरमाए जब सामने आँखों के गमखार जब सामने आँखों के गम खार नजर आए मरकज़ी जामे मस्जिद बिलाल विच बैठने वाले हो हुण बिलाल नूं मारा पैणियां शुरू हो गईयां उमैया कौड़े मार रहा है मेरा बिलाल कौड़े खा रहा है उमैया कौड़े मारदा मारदा थक गया है उन्हें जल्लाद दी ड्यूटी लगा ली ऐ बिलाल नूं मारिया कर हजरत बिलाल कौड़े खाई जा रहे ने नबी दे नारे ले जा रहे ने तेरा बेवला इश्क लग गया है हजरत बिलाल ना खोड़ा वजद है आहदा हद नारे लगा रहे ने उमैया भी मार रहा है ओदे अखने ते ओदा गुलाम जल्लाद भी मार लिया है बिलाल मारा खाई जा रहे ने मैं जुमला अखा तड़प जाओगे मैं कहना मैं दीन दी खिदमत कर रहा मेरे जा कोई बंदा आख मैं दीन दी खिदमत दी बजायावरी कर रहा लेकिन हकीकी मानिया दे अंदर दीन ही साड़ी खिदमत कर रहे है सर ते इमामा होवे ते दीन इस्लाम दा सदका तन ते अच्छा लबास होवे दीन इस्लाम दा सदका अगर जनाबे वाला चंगी गाड़ी होवे ते दीन इस्लाम दा सदका अच्छा घर मकान होवे दीन इस्लाम दा सदका इज्जत शरफ होवे मोहम्मद दे दीन दा सदका अज मैं दीन बयान करा तुसी नारे मार दियो सुभान अल्लाह माशाल्लाह दी दाद दें दियो अज मैं जिक्रे बिलाल करा जिक्रे आमिना दे लाल दा करा मैं जनाबे वाला हुजूर दा जिक्र करा तुसी पैसे नछावर कर दियो फुल ते पत्तियां नछावर कर दियो ओ कैसा मंजर आवेगा जदों बिलाल अहमद दा जिक्र कर रहा है आहदा हद नारे ला रहा है कोई पैसे नी नछावर कर रहा बल्कि कौड़े मार रहा है पत्थर मारे जा रहे हैं हजरत बिलाल नो कौड़ा वजद इधरों बिलाल नारा लगा दे लेने कहंदे ने आहद
आहद आहद ओ कल्ले ओ यकते ओ यहादे ओ या समादे मारा खाई जा रहे जनाबे वाला आखिया बेलाल तेनों मारा पैर आने वे तेनों की हो गया फिर भी आहद आहद नारे ला रहे आए आखिया तो इश्क दे वेड़े बड़े ते तो सही मेरे को सवाल ना करो इश्क लगा सिख डा खे दिनो भुल गईया कचल पाया सी यार दे ए नने मोहब्बत ना कह लाना सुभान अल्लाह कचल पाया सी यार दे वेखने कजल पाया सी पता नहीं हो कैसा इश्क वाला कजल कजल पाया सी यार दे वेखने ले बस हंजो डुल दिया डुल दिया डुल गईया मैंने कहते से इतर भुले रवाले सी तेरे फुरेल वाली जुल्फा खोल दिया खोल दिया खोल गईया है दर्शा इस गली कली मैं नहीं रुल दी ऐथे गई कई रोल दिया रोल दिया रोल गया उठी बोलो जरा सुभान अल्लाह इंज नहीं सीने दा दौर ला के कह लो सुभान अल्लाह आवे शरासा भी हाथ बुलंद कर लेने मम्मी हाथ बुलंद कर लेना हाथ बुलंद करके बोलो जरा सुभान अल्लाह हजरत बिलाल नो जल्लाद ने बड़ा ही मारे मार मार के जल्लाद थक गए एक दिन जल्लाद कहंदा बिलाल तेरा जिस्म लोए दे तेरा जिस्म फुलाद दाए हजरत बिलाल ने आखे की होए कहंदा मैं मार मार के थक गया वा अजीब हालत है जदों मैं कोड़ा मारना तो मुस्कुरा लेने जदों मैं कोड़ा उठा लेना तो रो लेना है हजरत बिलाल ने आखिया तू तो अपने आका दे कैल ते कोड़ा मार रहा है मैं अपने आका दे पारो मार खा रहा वा जो तू कोड़ा मारना है फिर की दे मैं अखन बंद कर लेना अखन बंद करके दिल वल कर लेना दिल नो दिल पर वल कर लेना जदों यार दी सूरत सामने आउंदी है मैं मुस्कुराई जाना मैं ना मार इधरों कोड़े दा वार होएगा उधरों मुहम्मद दा दीदार होवे उधरों कोड़े दा वार ते जनाबे वाला इधरों मुस्तफा दा दीदार इश्क दिया एक नहीं हो लाया जा दिया लग जान फेर नहीं दिया इश्क दी
अच्छा वे इश्क की अग लगी है ना, लगी हो इंज बंदा सुकून ना बैठा हों, कई ने चुके कि सानू इन्नी को लगी है, लगी है ना इश्क की अग, हाथ बुलंद करके इतने हाथ हो मूसा काजम सुल्तानी काका पुत्रा तुम्हें तेरा हाथ चुक इंज हाथ चुक हाथ उठा के इश्क दिया अगा ने लग जान फे ए असी अपनी नस्ल नु सिखाने ना इश्क दिया लग जान थोड़ा जा होर दौर ला लीए मैं पिछे हो जाना जरा तुसी पूरा तिल मार के ना कहना इश्क दिया लग जान फेर ने दिया इश्क दिया दिया लग जा जान दिया हजरत बिलाल ने मारा खा दिया ओए में नहीं ओ यार याने में नहीं ओ दिया इश्क दिया या गाने ओ हजरत बिलाल ए मैं ना कल ही गल अबू जी हजूर नाल डिस्कस पिया करदा सा मैं कहा अबू जी जरा ए गल मैं दस दिया जी कितों पढ़ी जाते ना इतों पढ़ी हाय हाय अच्छा रियाज़ुद्दीन सदीकी साहब अलामा साहब मौजूद सन आखन लगे मैंने एक बंद ने पूछा फलाने शाह कितों पढ़ी जी मैं क्या इतों है इतों पढ़ी हाँ इतों ही पढ़ी है तो कबूल होंगी तुहानू की लगे ये तुहानू पता है महीने च तीन जुमे आना तो ये दो तो मैं टाइम वद कर ही जाना तको तकी तो बंद आंदने ये की होया जी मैं क्या इतों पढ़ी किदा दिल करदा यारो कल भी तीन तकरीर कीतिया ने फिर दो फिर रात नू राह वाली किदा दिल करदा एवं इन्ना टिल मारन ते ओ मैं कहया हाँ जरा हाथ बुलंद करके इतों जरा बोलिया जा सुभान अल्लाह नहीं नाम ही आवाज बुलंद होवे जरा इतों सलामत रहो सलामत रहो वेखो जे कुर्सी पर बैठे यकीन बीमार ने अल्लाह इन्हों से देवे ता ही बैठे ने वो बीमार हो के हाथ बुलंद करते हैं उन्होंने पता है अल्लाह सारिया बीमारियों तो छुटकारा दे दे इश्के रसूल वाली बीमारी अता फरमा दे ओए जीओ हुण सीने ठंड पै हूँ हूँ मेरा दिल कर दे मैं मुड़ तो शुरू हो जा क्यों जी साईं जी हैं मुड़ तो कई बंदे सोची पे ने अज की पै कर दे राती मेरे साईं आए सन फिर बैटरी चार्ज हो जाती जो तो साईं तशरीफ लिया है इतने ही हाथ रख के जरा मुहब्बत ना कह लिया जो सुभान अल्लाह हुण सुनिया जे मेरे बाबा जी हुजूर दी गल मुरब्बी व मुहसिनी व मुर्शिदी व आबी सुल्तान उल वाइदीन बाबे खिताबत मेरे मुर्शिदे सगीर एक करीम बाबा जी फरमांदे ने जदों हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वेख्या ना बिलाल नूं मारां बड़ियां पैंदियां उची उची आहद आहद कहंदे ने ते हजरत अबू बकर ना कोलों दी नंगे ते फरमांदे ने तू वी हौली कह लिया कर हौली कह लिया कर जिन्हों तू मन लिया वो दिलों की तहरीर भी पढ़ लेंगे दिल की तख्ती ते जड़ी लिखाई है उनका भी मुताला कर तो तू हौली कह लिया कर कहते ने अच्छा जी ठीक है जी जिन्हों मंजिलों से तुम पहुँच गए हो हाली मैं नहीं अपड़िया तो अगों तो मैं जी हौली ही कह लवा करांगा हौली तुसी भी हौली हौली अपना हाथ जेब च खड़े आ जरा ताकि जो नज़ीर साहब पे आते हैं इन्होंने वाल भी तवज्जो हो जाए हौली हौली आख लिया कर आख्या जी ठीक है तो मुर्रखा ने इंज भी लिखे हजरत बिलाल हौली आंदे सन लेकिन जो कोई काफर लागू की लंघता फिर उची उची कहते सन
अहद अहद दे नारे लगांदे सन उच्ची उच्ची। अच्छा हजरत अबू बकर सिद्दीक अगले दिन आए थे बिलाल नु फिर मार पे पवे ते फिर उच्ची उच्ची अहद अहद दे नारे ला रहे। हजरत अबू बकर ने आख्या मैं तुहानू आख्या सी ना हौली कह लिया करो, मार तो ते बच जाओगे ना ते हौली कह लिया करो। आखन लगे हाँ जी ये जदों मैनू कौड़ा मार देने ना मेरा इश्क आंदा जरा उच्ची उच्ची जिवें असीं नहीं तुहानू आंदे भाई आशक हो तो जरा उच्ची उच्ची सुभान अल्लाह बोलिया जे। आदत ही तुसें ऐसी पा दी जदों मठा बोलो तो सुकून नहीं लभदा, हौली बोलो नेकियां तो तुहानू लभ ही जांदियां ने, साडे दिल नूं इन्ना पूरा सुकून नहीं ना हुंदा। जरा टिल मार के इसे तरह आख्या करो सुभान अल्लाह। इह ना जी हौली हौली इह जी ठीक है। एक दिन हज़रत अबू बकर कहिंदे ने सुनिया मेरा दिल करदा है मैं बिलाल नूं आज़ाद ना करवा लां। सूफी खाला सुल्तानी साहब हजूर ने फरमाया दिल तो मेरा भी यही करदा है ना इंज करके ना कढ़िया माल ते मुरीद अकबर नूं इंज करके ना मेरी सर ए भी तो पीर ही ने ना ओए होए 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 नहीं तुसीं समझे यार हो ये वड्डे मुरशद ने ना जिहड़ा नहीं किसे मुरशद नूं मन्नदा वो नबी नूं ते मुरशद मन्नदा है। पिया पता लग्गिया मुरीद दी जेब ते नज़र नहीं होनी चाहीदी, जिहड़ी जेब दे थले जगह ना दिल हाँ पीर दी नज़र उत्थे होनी चाहीदी है ते पीर लैण वाला नहीं होना चाहीदा। सारे नाराज़ हो गए सारे पीर हो मेरी गल सुन के तो कोई पीर नाराज हो गए तुसी तो सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गली दे फकीर हो खुश होके कह लो सुभान अल्लाह। एक होर जुमला कह ला पीर मंगन वाला नहीं हुंदा पीर ते वंडन वाला सलामत रहो हाँ मंगन वाला पीर नहीं हुंदा वंडन वाला। ए बिलाल नु आजाद करवाण वास्ते ना अबू बकर लै जा माल हुण अगो मुरीद दा काम वेखो कहिंदे ने सोहणिया तुहानू बिलाल ही चाहिए ने ना हाँ मैनू चाहिए बिलाल तो सुने तुम रखो माल तन भी थोड़ा ही जे मन भी थोड़ा ही जे हैं तो सुने माल भी थोड़ा ही है तो औलाद भी नबी दे दीन वास्ते इन्हां कोल नौकरी लिया करो औलादा को। ए पीर शरीफ नूं वेख लो ऐ जिवें दीगर मेरे पीर भाई ड्यूटी देंदे ने मैं अपने बेटे नूं भी आना पुत्रा तू भी कोई 10 घंटे ड्यूटी दिया कर जे दूसरे खलोते हो तो यह भी हाथ बन के खलोता ही रहिंदा ताकि इन्हों भी पता लग जाए नौकरी तो अपनी अपनी दूजे पीर भाई करन तो इन्हों का भी हक बनता ना ये भी करन ये भी हजूर की गुलामी का दावा करते हैं तो कोई दलील तो पेश कर हूँ सुने जे ये तुहानू तो बिलाल ही चाहिए हाँ मैनू चाहिए तो हजूर लै आना ए तुसी रखो जी हाँ हल आना व माली इला लाका या रसूल अल्लाह सुनिया क्या मैं ते मेरा माल दोवे ही थोड़े ही नहीं। लंबी गल नहीं करते गए टाइम मेरे को रह गया एवं 6-7 मिनट नहीं है ना 8 मिनट मैं जल्दी नाल गल मुकानी गए मुल लाया बिलाल नूं लिया मैं दसता नहीं पिया हुण किन्ना किन्ना लाया वह फिर वेखांगे किसे वेले ते जदों हजरत बिलाल पाक नूं अबू बकर लैन चले ने ना ते उमैया हसया खिखी मार के हसी आखन लगा लै काले जे बिलाल दा इन्ना मुल लाई दे आखे तेनों की पता होवे तू रंग पिया वेना मैं मुहम्मद दी गुलामी पिया वेना आए हाय गए अंधेरी कोठड़ी विच बंद और अंधेरी कोठड़ी दा दरवाजा खुलिया लाइट अंदर गई ते बिलाल नूं इंज लगा जिवें कोड़ा मारन वास्ते जल्लाद आया ते इंज करके ना पोजीशन लै लई कि इधरों कौड़ा वजना है उधरों यार दा दीदार हो जाना है हाँ इधरों कौड़ा वजना है तो उधरों यार दा दीदार होना है इंज करके ना पोजीशन लै लई जदों सूफी खाला सुल्तानी साहब पोजीशन लई ना तो अबू बकर पिछे आके खलो गए बिलाल कहिंदे ने मारदा नहीं जल्लादा अज खलोई गई है। अबू बकर बोले नहीं दूसरी बारी फिर कहन लगे जल्लादा मार मारदा क्यों नहीं। हजरत बिलाल दियां ये सदावां सुन के ना अबू बकर दी अखां विचों हंझू निकल आए। तीसरी वारी कहिंदे ने जल्लाद मार ओए मैनू डौला खांदा वेखीए मेरे कदम तक मंगाए ते मुतजलजल वेखे नहीं मार। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जदों सुनिया ना ते फिर जिहड़ा जुमला आख्या उह जरा मेरे बाबा जी दी जुबानी सुन लिया जे अबू बकर सिद्दीक कहिंदे ने बिलाल अज कोई जल्लाद नहीं आया
अज ते नबी दा यार आया है। हजरत बिलाल दियां चीखां निकल गईयां। हजरत बिलाल दियां अखां विचों आंसू रवाले। अज बिलाल नूं आजाद करवाने लई आशिकदार अबू बकर आए ने। हजरत अबू बकर ने फरमाया नारो अली ते तो सदीक दे सीने नाल लगाए। थोड़ी देर तो बाद तो रब दे हबीब दे सीने नाल भी लग जाए। ओए जिन्हें मदीने जाना होवे ओदी एडी जमीन ते नहीं लगदी ते जिन्हें डायरेक्ट मदीने वाले दी ज़ियारत करनी होवे उस बिलाल दी खुशी दा कोई आलम होवेगा। जल्दी जल्दी अबू बकर नूं कहंदे ने मैनूं नबी पाक दी बारगाह च लै चलो। आखिया इंज ते नहीं ना पहलो मेरे घर चलो। तुसीं रोवोगे ते नबी पाक ते अगे ही तुहाडे गम विच बड़े रोंदे ते ना तुहानूं हाल ही नहीं लैके जाणा। चलिए गुसल कर लो नवे कपड़े दिते पगड़ी किसी उन्हों खोलिया खोल के बिलाल दे सिर ते बन्ने। एक रिवायत मैं पढ़ी है कि छेवें दिन लैके गए ने चटाई है ते मौला अली पाक बैठे ने उधरों बिलाल आए। मेरे नबी ने फरमाया अली थोड़ा जा नाल नहीं जे होंदे वेखो ना मेरा बिलाल लगा आउंदा है। हजरत बिलाल तशरीफ ले आए मेरे नबी ने सीने नाल लाया। बिलाल दियां चीखां निकल गईयां। ओ यारो अज बंदा दुखी होवे ते मां सीने नाल ला लवे ते बंदे दे जख्म ते मरहम लग जांदा है। बंदा बाहरों थकिया मांदिया परेशान होवे ते अबू जी बुढ़े होन ते सिर ते हथ रखिया खन्ना पुत्रा नेड़े होए मेरियां दुआवां तेरे नाल ने। ते यारो जिहदी मां भी सिर ते ना होवे ते जिहदा बाप भी सिर ते ना होवे ते यतीमी विच जिंदगी गुजारते गुलामी विच मारा खा खा के नबी दे दर ते आए। मेरे मुस्तफा ने हजरत खदीजा पाक नूं आखिया बिलाल आया बड़िया मारा खादियां ने दुध ते गर्म करिया जे जरा मेरा मुरीद आया जरा दुध ते गर्म करिया जे। अंदरों अम्मी खदीजा तुल कुबरा ने ना दुध गर्म करके ना प्याले विच कलिया। मेरे नबी ना देन लगे अबू बकर कहंदे ने जी मैं देना। फरमाया ओए मेरा मेहमान है ना बड़िया मारा खादियां सू मेरे वास्ते कह दी अल्लाह बिलाल जरा फड़ प्याला। ते मेरे नबी खजूर लैके ना खजूर उत्तों जड़ा सुका सुका छिलका होंदे ना उतारन ते गुद्दा नरम कर करके ना मेरे नबी बिलाल नूं आखण बिलाल जरा ए भी खावी बिलाल ए भी खजूर खावी। ते हजरत ज़ैनब मेरे नबी अलैहि सलाम दी बेटी जड़ी है ओ खजूरां दी टोकरी लैके आई ते मेरे नबी इंज करके बिलाल नूं अपने हत्थां नाल खजूरां खान। बिलाल फिर भी रोण लग पे। अबू बकर ने आखिया बिलाल हुण क्यों रोना है। कहंदे ने मैनूं ते कई कई दिन रोटी नहीं सी लभदी। मैनू जो लभदी सी ठुडे मार मार के आंदे सुके टुकर खा लै। ओ किथे बिलाल तेरे मुकद्दर किथे आ गया। उरों मलाइका ने भी आख्या होवेगा बिलाल तेनों मुबारक होवे। ओए जिन्हां दा पहलो गुलाम सै ना वह तेनों सुके टुकर खवांदे रहे ने। ए जिहदा हुण नौकर बणिया है सुके आप खांदे ही ताजे ताजे खाने अपने गुलामां नूं खवांदे। हजरत बिलाल मेरी सरकार अलैहि सलातो व सलाम दे करीब बैठे ते रो रहे ने। हजूर फरमाया हुण क्यों रोना है। कहंदे सोणिया मेरे नाल किसे ने कदी इंज लाड ही नहीं कीते। हजूर फरमाया नेज़ा फड़ ते ए मेरे घर दे अगे खलोया कर। ए मेरे घर दा साजो समान तू ले आउणा है। पुछ लिया कर अपनी रूहानी माँ कोल जो चाहीदा होवे ना लैके आवया कर ते तू मेरा बिलकुल खास सैकटरी बन कर रहा है। खजानची ए मुस्तफ़ा हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर विसाल दा वेला आया गल मुकम्मल कर दिया ते आप ना रो रहे। और मैं अगे मैं तुम दसदा हुंदा सा कि हजरत बिलाल दा एक भाई सी जिहदा नाम खालिद। अज मैं एक होर नाम ही पढ़िया जिहदा नाम अब्दुल्ला। मेरे मुताले विच आया मैं तुहानूं अर्ज़ कर दित्ता है आप दे दो भाई सन एक दा नाम खालिद सी ते एक दा नाम अब्दुल्ला सी। ते शादी हो गई और जदों विसाल दा वेला आया ना ते बिलाल मुस्कुरा रहे ने ते बीवी रो रही है ते फरमांदे ने रोनी क्यों है। वो कहंदी है तुसी हसदे क्यों हो ते तू क्यों रोनी है। मैं ते तां रोनी है मेरा महबूब मेरे तो दूर जा रहा है। फरमाया मैं तां हसना वा पिया मैं ते अपने महबूब कोल जा रहा वा मैं ते अपने महबूब कोल जा रहा। यार दी दीद होवेगी कबर दा माहौल ते हजूर दी ज़ियारत
हजूर दी ज़ियारत ते वेख के जेड़ा मेरे पीर भाई ने मेरे आउंदे पड़े ना ओ ए तन मेरा चश्मा होवे। मेरा दिल करदा मैं भी बिलाल ने जेड़ी गल कीती होवे ओदा नक्शा जेड़ा मेरे मुर्शद ने बयान कीता ओ मैं अर्ज़ करदे आ। मेरे मुर्शद ने आखिया ए तन मेरा चश्मे ना जा लो लो दे मोट लख लख चशे एक खोला एक कजागो इतना डिठया मैनो सबरे नयावे मैं होर अगेरे बजा हो दो तीन बारी सीने दा जोर लेके कह लो मोर शिव दीदार हो मोर शिव दादी बा मोर शिव दादी बा मैनो लख करोड़ा हो जड़ा आशक हुंदा है वो बेनमाजी नहीं जाऊंदा। जड़ा आशक हुंदा है वो वालदैन दा वफादार हुंदा है। ते जड़ा वालदैन दा वफादार ना होवे हर महीने यारवीं पकाए गौस नूं भी चंगा नहीं लगदा। जड़ा अपने पीर दे ते हाथ चुमे ते अब्बा जी नूं घोरी दी नज़र ना वेखे उहदा पीर हाथ चुमना भी अल्लाह दी बारगाह दे काबिले कबूल नहीं हुंदा। असल आशक ओ ही है जड़ा पंज वेले दा नमाजी होवे दीन दा गाज़ी होवे। इत्थे नहीं खुश होए हाँ पंजा नमाजा वाली अपना पंजा उठा के कह लो ना सुभान अल्लाह। मेरा हुस्ने जाने तो पहले भी नमाजी हो ते अगों भी नमाजी रहना है। एक दिन मूसा कादम ने शर्ट पाई दिया खा लगा जी मैनू जमात नहीं जे करान दें दे। मैं कह ना भाई इन करवान दिया करो इंजे ही मैं करवान दिया करो कोई गल नहीं है जी। इस तरह अपने बच्चों तरगीब दिया करो घर फर्ज जड़े ने पढ़ो ते सुनो नु नवाफल जे कोशिश करके घर जाओ ते अपने बच्चों नु नाल खड़ा करो उन्होंने आखो बच्चियो चल हाँ जरा साढ़े नाल नाल पढ़ ते फिर जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा जिक्र मेरा जिक्र जान तो बाद भी बाकी रखे गए क्यों जिन्हां दियां औलादां चंगियां होन उन्हां दा जिक्र खत्म नहीं हुंदा ते अपनी औलादां नु रसूलुल्लाह दा आशिक बनाओ हुजूर दा गुलाम बनाओ। मैं दुआ करना मौला हजरत बिलाल पाक दे जिक्र खैर दा सदका साडियां औलादां नूं बल्कि कयामत तक जिहड़ी साडी नस्ल चलदी आए ना मौला तेरे महबूब दी गुलामी करदी आए ते हजरत बिलाल दा नाम सुन के ते आंसू बहाण वाली औलाद होवे और जितने भी अहबाब कुरबो बहुत मौला चल के आउंदे ने इन्हां दा एक एक कदम अल्लाह रसूल दे जिक्र विच उठाया होया मेरे मौला इन्हूं कबूल फरमा और साडे सारे लई ज़रिया नजात बना।